हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्म फैक्ट्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेडेकॉन्स और प्रेडेकिंग के अननोन फैक्ट्स के बारे में, और प्रेडेकॉन्स के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि प्रेडेकॉन्स का ओरिजिन कब और कैसे हुआ था, और उनका जो एक्सटिंक्शन था यानी कि उनका जो अंत था वो कैसे हुआ था, उसका क्या रीज़न था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फैक्ट नंबर वन के साथ, जो कि है कि जो प्रेडेकिंग है वो 5 प्रेडेकॉन्स की कंबाइनर फॉर्म है। जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ में देखा ही होगा कि प्रेडेकिंग एक अकेला प्रेडेकॉन है जिसे कि शॉकवेव ने साइबरट्रॉन पर क्लोनिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स की दूसरी कंटिन्यूटीज़ में ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मर्स की दूसरी कंटिन्यूटी में प्रेडेकिंग एक 5 प्रेडेकॉन्स के कंबाइनर फॉर्म में आता है, जिसमें कि सबसे पहला जो प्रेडेकॉन है वो है डाइव बॉम्ब, दूसरा है हेडस्ट्रॉन्ग, तीसरा है रैम्पेज, चौथा है टेंट्रम, और सबसे लास्ट में उनका लीडर आता है जो कि है रेजर क्लो। तो यार, अब आप खुद ही सोच के देखो कि जब एक अकेले प्रेडेकॉन में इतनी ज़्यादा पावर होती थी तो 5 प्रेडेकॉन्स की कंबाइनर फॉर्म यानी कि प्रेडेकिंग में कितनी ही ज़्यादा पावर होगी। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे ही ऑटोबॉट्स और सारे ही और जितनी भी स्पीसीज थी साइबरट्रॉन पर, ज़्यादातर स्पीसीज प्रेडेकिंग्स और प्रेडेकॉन की जो स्पीसीज थी उससे डरती थी। सिर्फ कुछ ही फाइटर्स थे जो कि उनके मैच के थे, और जो उनके सबसे बड़े राइवल थे वो थे डायनोबॉट्स। प्रेडेकॉन्स की साइज़ और प्रेडेकॉन्स की पावर में सिर्फ डायनोबॉट्स ही कंपेयर कर पाते थे, सिर्फ वो ही उनकी लेवल को मैच कर पाते थे। अगर आपको प्रेडेकॉन्स के रिगार्डिंग और कोई फैक्ट मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने फेवरेट प्रेडेकॉन का नाम मेंशन करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर टू के साथ। फैक्ट नंबर टू, प्रेडेकॉन्स वर क्रिएटेड बाय डिसेप्टिकॉन एंड क्विंटेसंस। अगर आपको यह नहीं पता कि क्विंटेसंस कौन थे, तो मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ कि क्विंटेसंस एक ऐसी रेस थी जो कि अपने आप को ना ही ऑटोबॉट बताती थी ना ही डिसेप्टिकॉन। उनका खुद ही एक अलग मोटो होता था कुछ भी करने के पीछे, और एक तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे कि वह अपने पावर से किसी पर भी हुक्म आराम से चला सकते थे। जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ में देखा होगा कि प्रेडेकॉन्स को शॉकवेव ने क्लोन किया था अपनी लेबोरेटरी में, लेकिन एक ऐसी ही दूसरी टाइमलाइन है ट्रांसफॉर्मर्स की कंटिन्यूटी में जहाँ पर प्रेडेकॉन्स को क्विंटेसंस और डिसेप्टिकॉन्स ने मिलकर बनाया है। क्विंटेसंस ने डिसेप्टिकॉन के साथ सिर्फ इसी बात पर एग्री हुए थे कि क्विंटेसंस का जो रूल रहेगा ओवर प्रेडेकॉन्स वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो प्रेडेकॉन्स को सबसे ज़्यादा बात सबसे पहले नंबर पर क्विंटेसंस की माननी होती थी, और दूसरे नंबर पर वह डिसेप्टिकॉन्स की बात मानते थे। और क्विंटेसंस और डिसेप्टिकॉन दोनों ही अपने जो भी अलग अलग तरीके के काम होते थे, हंटिंग के काम होते थे, वो सारे के सारे काम प्रेडेकॉन्स से ही निकलवाते थे। फैक्ट नंबर थ्री, प्रेडेकॉन्स बीट्रेड मेगाट्रॉन विद शॉकवेव। ग्रेट वॉर के एंड के बाद जब ऑप्टिमस प्राइम अर्थ पर आ गए थे अपने रिमेनिंग ऑटोबॉट्स के साथ, तब मेगाट्रॉन ने प्रेडेकॉन्स के एक ग्रुप को अर्थ पर ऑप्टिमस प्राइम को ढूंढने और मारने के लिए भेजा था, और उस प्रेडेकॉन्स के जो ग्रुप को लीड किया था वो किया था शॉकवेव ने, जो कि मेगाट्रॉन ने उसे बाद में भेजा था। ग्रेट वॉर के खत्म होने के बाद मेगाट्रॉन की जो कंडीशन थी वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जिससे कि मेगाट्रॉन पागलों जैसी हरकत करने लगा था, यानी कि वह काफ़ी हद तक पागल सा हो गया था। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर शॉकवेव ने प्रेडेकॉन के साथ मेगाट्रॉन पर अटैक किया, जिससे कि वह उसकी पोजीशन को हत्या सके, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहा। और तब मेगाट्रॉन की मेंटल कंडीशन ठीक हुई, तो उन्होंने मेगाट्रॉन को कन्विंस करा दिया कि यह जो अटैक था वह ऑटोबॉट्स ने कराया था, ना कि प्रेडेकॉन्स ने। फैक्ट नंबर फोर, प्रेडेकॉन्स हैव राइवलरी विद डायनोबॉट्स। क्योंकि प्रेडेकॉन हमेशा से ही पावर में और साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, और कंपैरिजन करा जाए तो और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के हिसाब से, तो वह हमेशा ही डिसेप्टिकॉन और ऑटोबॉट्स को आराम से ही हरा देते थे। यहाँ तक कि उनका सामना ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन से भी कई बार हुआ था, जिसमें कि ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन भी कई बार प्रेडेकॉन्स के हाथों हारे हैं। तो प्रेडेकॉन्स को एक अच्छा एनिमी चाहिए था, एक अच्छा अपोनेंट चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी टाइम तक इसके ऊपर सर्च किया था। तो उन्हें फाइनली डायनोबॉट्स मिले थे जो कि ऑटोबॉट्स की तरफ से लड़ा करते थे। तो डायनोबॉट्स भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और उनका जो साइज़ का जो कंपैरिजन था वो उनके लेवल में मैच करता था। फाइनली उनका जो अपोनेंट बने थे वो थे डायनोबॉट्स, और जिसमें कि एक आपको पता ही होगा कि एक डुओ टाइप रहता है, एक ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन की तरफ से जो कि हमेशा एक दूसरे के नाम ही रहते हैं, वैसे ही प्रेडेकॉन और डायनोबॉट में भी एक डुओ बना था जिनके बीच में बहुत ही तगड़ी दुश्मनी हुई थी। प्रेडेकॉन्स की तरफ से था डाइव बॉम्ब और डायनोबॉट्स की तरफ से था स्वूप। तो इनकी जो दुश्मनी थी वह काफ़ी लंबे समय तक चली थी। फैक्ट नंबर फाइव, प्रेडेकॉन्स वर द एनिमीज ऑफ मैक्सिमल्स। ट्रांसफॉर्मर्स की बीस्ट वॉर्स की जो सीरीज़ है उसमें ऑटोबॉट्स की जगह हमें मैक्सिमल्स दिए गए हैं, जो कि ऑटोबॉट्स के डिसेंडेंट्स हैं, और हमें अपोजिट साइड पर प्रेडेकॉन्स दिए गए हैं जो कि डिसेप्टिकॉन के डिसेंडेंट्स दिखाए गए हैं।
तो यहाँ पर जो राइवलरी दिखाई गई है वह मैक्सिमल्स और प्रेडेकॉन्स के बीच दिखाई है बजाय ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच। तो इस जो पूरी सीरीज़ में जो भी हुआ था वो सिर्फ प्रेडेकॉन्स और मैक्सिमल्स के बीच में ही हुआ था। फैक्ट नंबर 6, हाउ प्रेडेकॉन्स एक्सटिंक्ट। अब हम बात करेंगे कि प्रेडेकॉन्स साइबरट्रॉन की हिस्ट्री से कैसे गायब हुए थे। साइबरट्रॉन को एक ग्रेट डिज़ास्टर ने हिट किया था जिसका नाम था ग्रेट कैटलिसिज्म। इसमें क्या हुआ था कि एक रेड डाइंग सन था जो कि साइबरट्रॉन की एटमॉस्फेयर से होकर गुजरा था, जिससे कि साइबरट्रॉन की जो ग्रेविटी थी उसने उसके कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और जो रेड डाइंग सन था वो पूरा का पूरा साइबरट्रॉन की तरफ खींचा चला गया, जो कि डायरेक्ट हिट हुआ था साइबरट्रॉन पर जाकर, जिसमें कि सारे के सारे प्रेडेकॉन्स की प्रजाति खत्म हो गई। लेकिन सारे जो और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स थे वो बचे थे सिर्फ और सिर्फ 13 प्राइम्स की वजह से, जिनमें प्राइमा लीडर थे, उन्होंने अपनी पूरी स्पीसीज को बचा लिया था। लेकिन वह कभी भी प्रेडेकॉन्स को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह प्रेडेकॉन्स हमेशा ही हंटिंग और जो उनसे कम पावरफुल जो ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन थे उन्हें हमेशा ही मारते थे, इस वजह से उन्होंने उन्हें नहीं बचाया। फैक्ट नंबर 7, हाउ प्रेडेकॉन्स रिक्रिएटेड। जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज में ही देखा होगा कि शॉकवेव ने कैसे पुराने फॉसिल से प्रेडेकॉन्स का CNA एक्सट्रैक्ट करके अपनी लेबोरेटरी में यूज़ करके प्रेडेकॉन्स को रिक्रिएट करा था। लेकिन जितने भी उसने बाद में प्रेडेकॉन्स रिक्रिएट करे थे वो एक तरीके से सिर्फ उनके क्लोन्स थे, कभी भी उस रियल प्रेडेकॉन्स फिर बाद में एग्जिस्ट नहीं करे उस ग्रेट कैटलिसिज्म के बाद। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।